हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। पहली वीडियो में एलसीएम और एचसीएम दोनों निकालना बता चुका हूँ, अब मैं भिन्नों का एलसीएम और एचसीएम निकालना बताऊँगा। तो ठीक है, क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 3/2, 6/4, 9/6 का एलसीएम क्या है? ठीक है, जब भी भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं, भिन्नों का एलसीएम, तब हम क्या करते हैं, एलसीएम बटे एलसीएम बटे एचसीएफ या एचसीएफ बटे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बटे एचसीएफ या एचसीएफ बटे एलसीएम। अब इन दोनों सूत्र जो सूत्र हैं ये कैसे लगाए जाते हैं? ठीक है, जैसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम ऊपर आएगा, एचसीएफ बटे में आएगा। ठीक है, यदि पूछ लेता एचसीएफ पूछ लेता तब क्या करते, एचसीएफ ऊपर आता और एलसीएम नीचे आता। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, नहीं देखी है तो देख लीजिए वीडियो चैनल पर जाके। ठीक है, तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पूछा है एलसीएम, तो ऊपर वाली जो संख्या उसका क्या निकलेगा, एलसीएम। ठीक है, बता देता हूँ एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को का तीनों जिससे डिवाइड, वो क्या होती है, एचसीएफ, और फिर जो काटते चलेंगे वो क्या होती है, एलसीएम। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। 3, 6, 9 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, तीन से काटेंगे, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। ठीक, फिर 2 से काटेंगे, ये 1 का 1 लिखा रहेगा, 2 × 2, ये नहीं कट रहा है तो वैसे का वैसे लिखा जाएगा। 3 से काटेंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो यदि नहीं देखी है एलसीएम एचसीएफ वाला तो देख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, ठीक, क्या निकला, अब इन तीनों का गुणा कर देंगे जिनसे काटा है, 6 × 3 = 18। ठीक है, 18 हो गया क्या, एलसीएम। ठीक है, जो निकालना है वो ऊपर आएगा और एचसीएफ नीचे आएगा। ठीक है, जेसू फॉर्मूला है एलसीएम बटे एचसीएफ। ठीक, हमने एलसीएम निकाले, अब नीचे वाले हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। मैंने क्या बताया, एचसीएफ के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो क्या है, 2 से भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। ठीक है, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनसे ये तीनों कट रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक, अब 18/2 आ गया, अब इसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 9। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं आया तो दूसरे क्वेश्चन में और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला है, 2/3, 4/5, 6/7 का एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो निकालना है वो ऊपर निकलेगा, एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। मैंने पहले बताया है एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ बाय बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटे, कौन सी है दो। ठीक है, तो 2 तो आएगा ऊपर, अब इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन में ऊपर कौन से में 2 है, इसमें 2 है ऊपर, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आया या फिर आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालने के लिए वही तरकीब है, 3, 5, 7। ठीक है, तीनों अलग अलग हैं इसलिए तीनों का गुणा हो जाएगा, पहले 3 से काटेंगे, 3 × 3, 5 का वैसे के वैसे लिखा, 7 भी वैसे के लिखा, फिर 5 से काटेंगे, 1 × 1 लिखा रहेगा, 5 × 5, 7 × 7 आ जाएगा, फिर 7 से काटेंगे, 7 × 7, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105। ठीक है, तो 2/105 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, होपफुली गाइस आपकी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।